आज हम बनाएंगे जुकीनी की सब्जी बनाएंगे। तो जुकीनी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये दो जुकीनी है वो मैंने यूज किया है, एंड उसके बाद मैंने लिया है क्रश गार्लिक है, 1.5 टेबल स्पून जितना ये गार्लिक है वो मैंने क्रश कर लिया है। ये है ग्रीन चिली है वो भी मैंने कट कर लिया है। ये है प्लेन योगर्ट है, उसके बाद लिया है सॉल्ट है, ये फ्रेश धनिया है, एंड उसके बाद मैंने लिया है बेसन का फ्लोर है, और ये है ऑयल, उसमें स्पाइसेस मसाला मैंने यूज़ किया है, तो मस्टर्ड सीड है, एंड जीरा है, हींग, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर लिया है। तो हम सबसे पहले हम ये जुकीनी है उसको हम कट कर लेते हैं। ये जुकीनी को हम अपना हिसाब से कट कर सकते हैं, जितना छोटा मोटा रखना चाहते हैं। तो मैं ये जुकीनी है उसको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में मैं कट करूँगी। ये जुकीनी की सब्जी है खाने में बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी है, इजी से फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो मैं ये जुकीनी है उसको मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेती हूँ। कट कर लिया है, दूसरी साइड गैस पर मैंने कढ़ाई भी रख दिया है, उसमें डालेंगे ऑयल डालेंगे, तो 2 टेबल स्पून जितना मैंने डाला है ऑयल डाला है, तो हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो आधी स्पून जितना डालेंगे मस्टर्ड सीड, उसके बाद हम डालेंगे आधी स्पून जितना हम डालेंगे जीरा, उसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी स्पून जितना हींग, 1 टेबल स्पून जितना ये ग्रीन चिली है वो भी हम डाल देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे 1.5 स्पून जितना ये है क्रश गार्लिक है वो भी हम डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये गार्लिक है वो ऑयल में ब्राउन जैसा हो जाए तब तक हम ऐसे ही ऑयल में भूनेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे आधी स्पून जितना हम डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद हम ये जुकीनी है उसको भी हम उसमें डाल देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, मसाला है जुकीनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम ढक्कन लगा के हम 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं, एकदम गैस की फ्लेम हम स्लो रखेंगे क्योंकि हमारी ये सब्जियां है अच्छी तरह से पकेंगे एंड बिल्कुल ये जले ना, तो हम गैस की फ्लेम है वो स्लो ही रखना है, तो हम धीमी आंच पर हम 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, तो हमारी ये जुकीनी है देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है, उसको जुकीनी को पकने में टाइम नहीं लगता है, एंड उसके बाद हम डालेंगे उसमें आधी स्पून जितना हम डालेंगे रेड चिली पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे बेसन का फ्लोर डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना मैं डालूंगी बेसन का फ्लोर, ये बेसन का फ्लोर अपना हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना खाना पसंद करते हैं, अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने ये बेसन को ऑयल में
और सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ये कच्चा नहीं रहता है, वही ध्यान में रखना है। तो मैंने ये बेसन को अच्छी तरह से मैंने ये मिक्स कर लिया है। अब उसमें डालेंगे प्लेन योगर्ट है वो भी हम डालेंगे, 2 टेबल स्पून जितना मैं डालूंगी प्लेन योगर्ट डालूंगी। एंड फिर से हम ये सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं योगर्ट। ये जुकीनी की सब्जी है, फटाफट बन के तैयार हो जाती है, खाने में भी ये अच्छी लगती है। तो हम ये हमारी ये जुकीनी की सब्जी ऑलरेडी ये पक चुकी है, तो आधी मिनट के लिए ही पकने के लिए रख देते हैं। तो हम देख लेते हैं, तो देखिए हमारी ये जुकीनी की सब्जी है अच्छी तरह से पक चुकी है। उसमें हम डालेंगे धनिया डालेंगे। तो हमारी ये जुकीनी की सब्जी है बन के तैयार है, तो एक डिश में हम निकाल देते हैं। हमारी ये जुकीनी की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए हमारी ये जुकीनी की सब्जी बनके तैयार है।